गाइस ये चेक करें, डल ले आप लोगों को दिखाना भूल गया। ये जो मिर्ची है ना, बहुत ही स्पाइसी है, बहुत टेस्टी रहता है। पहली बार 2024 का ये मतलब कि लास्ट टाइम भी, लास्ट ब्लॉग में भी देखा, वो लास्ट लास्ट टाइम का ही था, वो खत्म हो गया। 2023 का था, अभी 2024 का है, तो देखते हैं इसमें कितना स्पाइसी है। अरे अरे गाइस, Shabbat Shalom, Kulam. Shabbat Shalom. At the website, what do you want to do? The recipe says, Batayna. हेलो एवरीवन, नमस्ते, सलाम, सबात सलाम। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का व्लॉग मैं आप लोगों को सुबह से ही दिखा रहा हूँ, सिर्फ फूटी मुकबांग। तो गाइस आज है सबात, यानी कि सैटरडे, और इसराइल में जितने भी ज्यूइस फैमिली है, जितने भी रिलीजियस है, वो लोग आज के दिन एक इन लोग का होली बुक है थोरा करके, वो थोरा ये लोग रीड करते और प्रे करते हैं सुबह शाम को। तो आज है सैटरडे, यानी कि सबात, कल के फ्राइडे को शिशी बोलते हैं। तो शिशी सबात में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी ज्यूस फैमिली है, ये लोग थोड़ा सा इसको स्टैंड कर रहे, ये लोग ना फ्राइडे को सुबह से ही इतना फास्ट काम करते हैं, खाना पीना जो भी है, बिफोर सबात, सबात स्टार्ट होने का एक टाइम रहता है, जैसे कि फ्राइडे इवनिंग 5 बजे को होता है, कभी कभार कभी 6 बजे, कभी 7 बजे रहता है, ऐसा टाइमिंग रहता है सबात का। तो उस दौरान वो सबात शुरू होने से पहले ही ये लोग खाना वगैरह जो भी 2 दिन का, फ्राइडे इवनिंग और जो सैटरडे इवनिंग का खाना वगैरह रेडी करके रख देता है, और ये लोग गैस वगैरह यूज़ नहीं करते, ये मैं बता रहा हूँ जो ज्यूइश फैमिली, और इलेक्ट्रिसिटी ये लोग ऑन ऑफ नहीं करते, ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है ज्यूइश फैमिली के घर पे। जैसे फ्राइडे होगा, वो फ्राइडे ऑटोमेटिक दूसरा वाला लाइट ऑन होता है, जो कि फ्राइडे इवनिंग से अंटिल सैटरडे इवनिंग तक कंटिन्यू चालू रहेगा, वो ऑफ नहीं करते ये लोग। और बाद में डाइनिंग टेबल में जितना भी फैमिली है, वो लोग इकट्ठे होके ये लोग डिनर करते हैं। बिफोर डिनर ये लोग, इन लोगों का जो प्राय होली ब्रुक है थोड़ा, वो लोग सब लोग आके प्रे करते, और एक बैंड रहता है काला ब्लैक कलर का टैप जैसा, वो यहाँ पे बांधते, आप लोग ने शायद देखा रहेगा, और कीपा बोलते हैं, छोटा वाला टोपी रहता है यहाँ पे सर पे रख के, कीपा बोलते हैं, हमेशा वो कीपा ये लोग ओढ़ते रहते हैं, लगा रहते हैं हमेशा, जो ज्यूइश कट्टर ज्यूइश फैमिली ऑर्थोडॉक्स, तो उन लोगों के ऊपर में एक छोटा सा एक कीपा बोलते हैं टोपी सर पे लगा रहता है हमेशा। तो प्रेयर होने के बाद जब वो लोग प्रे करते हैं, प्रे होने के बाद उन लोगों का एक वाइन आता है, रेड वाइन, तो शेयर करते हैं सभी फैमिली को, उसके बाद डिनर फ्राइडे को, और डिनर होने के बाद ख़त्म, बातें वगैरह करते हैं। उस टाइम वो लोग टीवी वगैरह कुछ देखते नहीं, टीवी वगैरह सब बंद। अभी सैटरडे हो गया, वही मॉर्निंग को प्रे वगैरह चलता है, नाश्ता वास्ता ज़्यादा बात भी नहीं करता है,
ऐसा रहता है शबात इसी शबात में जो इस फैमिली के घर पे। और ये थोरा जो है ऐसा मानता है कि थोरा जो है ना बाइबल का एक हिस्सा है, जो क्रिश्चियन का होली बुक है उसी का एक हिस्सा है। तो ये है किस तरीके से ये लोग शीशी सबात को मानते हैं। ठीक है ना गाइस, तो मुखबान तो आप सुबह का देख लिया, ये चेक करे मैंने आज राइस लिया है, अंडा एक करी, और ये मैंने कुछ चिकन फ्राई किया हुआ है विंग्स। रूबेन शाबाश सलोम मनीष मैम होते हैं, रूबेन का आज मूड थोड़ा खराब है, ट्राई करो। इन्हें चेक करेगा इस विंग्स वगैरह जो भी फ्राई किया हुआ है। तो अभी ये मुकबांग होगा, मुकबांग वीडियो आज। मोते बेत्या बोन बताओ हेल्दी, क्योंकि ये एक तो ड्राई फ्राई है, एक भी तेल नहीं है इतना ज्यादा, एक भी तो नहीं थोड़ा बहुत है तेल, इतना ऑयली नहीं है। रेगुलर बेसिस पे ये खाना ठीक नहीं है, फ्राई फूड तो कभी कभार अच्छा लगता है खाने में। हाँ हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मालूम है आज मेरा ओटी चल रहा है रूबेन के साथ। ओटी मतलब ओवर टाइम, ऑफ रहता है, ऑपरेशन थिएटर नहीं। तो आज ना वेदर इतना गर्मी तो नहीं है यहाँ पे, तो जो मेडिटेरियन सी नहीं, आज 2 दिन हो गया कंटिन्यू यहाँ पे वेव आ रहा है, चेक करें। और ये चेक करें, आज छुट्टी है, रेस्ट डे है किसी सा बात, और यहाँ के लोग कुछ इस तरीके से एंजॉय करते हैं, सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा वेव आ रहा है, चेक करें वहाँ से दूर दूर। तो रूबेन के साथ अगर शीशी सबात में मेरे को रुकना पड़ा कभी कभार, ऐसे रुकना पड़ता है, जैसे कि मेरा में छुट्टी जाने वाला था कल ही, मगर नहीं हो सका उसके लिए, मगर उसमें भी इतना मेरे को दुख नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे ना मस्त जगह है और इन्जॉय कर सकते हैं, बोरिंग मतलब कि बोरिंग नहीं होगा, चेक करेंगे। तो मनीष मैं रूबेन अकोल बिशेद है, हाँ यम सबात आता है अयोध्या माँ जे सबात। तो कुछ इस तरीके से मेरा आज का सबात यहाँ पे ख़त्म होने को है, अभी 3 बज गए आफ्टरनून है, और 5 बजे तक, 5 या 6 बजे शायद, 6 बजे 6 बजे खुलेगा सबात, कल फ्राइडे से इवनिंग से लेके सैटरडे इवनिंग तक। तो ये नज़ारा तो आप लोगों को बहुत बार दिखा चुका हूँ गाइस, किबूज सबसे बेस्ट है केयर टेकर में, अगर आप लोग आ रहे हो तो किबूज का काम सबसे बेस्ट है, तो कुछ ऐसा काम रहता है, तो यही है केयर गिवर का लाइफ। अगर मेरा रिप्लेसमेंट में अगर मैं किसी को रख के जाता फ्राइडे, तो फ्राइडे यहाँ से मैं 2 बजे निकल जाता हूँ अंटिल 7, सैटरडे 7 बजे तक, 7 बजे के अंदर अंदर इवनिंग, मॉर्निंग टाइम नहीं, 7 बजे इवनिंग
सैटरडे मेरे को किसी भी हाल में अपना ड्यूटी में इन होना पड़ता है, उसके बाद वो चला जाएगा फिर। तो यही है लाइफ केयर कीपर का। तो थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों का प्यारा सपोर्ट के लिए, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले ब्लॉग में। और अभी का यहाँ पे सिचुएशन आपको पहले ब्लॉग में, कल का ब्लॉग में मैं बता चुका हूँ, सिचुएशन ठीक ठाक है। अभी ईरान ने अटैक किया, बाद में फिर इजराइल अटैक कर रहा है, मतलब कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम पे। तो बस यही है, तो हम लोग मिलेंगे आने वाले वक्त में नया दिन और नया व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बने रहे मेरा चैनल में। अगर आप लोगों को कुछ भी जानने का है इज़राइल के बारे में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, और एड्रेस भी देखे रेड एंड रे रावा आलान अतरोए आदम फुलचा गम दानी गम सेली हाँ को रे हाँ अत विषय दे। तो यही लाइफ है गाइस इधर का, मगर यहाँ पे मेरा आप लोगों को बहुत बार बता भी चुका हूँ, मेरा अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि कीबोर्ड होने की वजह से कुछ इस तरीके से घूम फिर सकते हैं, बोरिंग नहीं होता। और यही कायम बिल्डिंग में रहता है, 10 मल्ला 15 मल्ला के ऊपर रहता है एक अपार्टमेंट के अंदर, तो वो टाइम वो चीज़ ना बोरिंग, वो जॉब बहुत बोरिंग हो जाएगा मेरे लिए। ये चेक करें नज़ारा, स्कूल वगैरह हरियाली है। ओके गाइस थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, और ऐसे प्यार और दुआएं बरसाए रखे, और आने वाले वक्त में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोगों को बता भी चुका हूँ पहले, जब तक आपका वीज़ा नहीं होता इज़राइल के लिए आप लोग पैसे मत भरो। आप लोग पहले पैसे दे देते हो, बाद में ये लोग काम भी नहीं करते, आप लोग के साथ फ्रॉड हो जाएगा। बिना प्रूफ के आप लोग किसी को पैसे मत भरो। ओके गाइस थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, सी यू अगेन इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय सब, अस्सलाम।